हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट में। पिछले लेक्चर में हमने आपको प्रॉपर्टीज़ बताया था डिटरमिनेंट का। आज इसमें हम एक्सरसाइज 6A को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे माइनर और कोफैक्टर क्या होता है और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। चलिए देखते हैं माइनर क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया गया है, A11, A12, A21 और A22, ठीक। तो देखिए माइनर क्या होता है। जैसे हमें A11 का माइनर निकालना है, माइनर A11 के माइनर को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल M से, M11 लिखेंगे। तो A11 का अगर हमें इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो इसके नीचे जो कॉलम है और इसके सामने जो रो है उसको छोड़ देंगे, बचेगा क्या, A22। यानी इसका माइनर क्या होगा, A22 होगा। इसी तरह अगर A12 का अगर हमें माइनर निकालना है तो A12 ये है, इसके माइनर को हम किससे डिनोट करेंगे, M12 से, और होगा क्या, अब हम इसको छोड़ देंगे, बचेगा क्या, A21। इसी तरह से अगर हमें निकालना है M21, ये M21 होगा यहाँ का माइनर, तो हम इसको छोड़ देंगे, इसको बचेगा क्या, A12। यानी उसके आमने सामने के हम एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, जो बच जाएगा वही हमारा माइनर हो जाएगा। A22 निकालना है तो देखिए क्या हो जाएगा, A22 ये है, तो इसके सामने ये है, इधर ये है, यानी बचेगा क्या, A11। तो ये हमारा माइनर निकल जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो देखिए हम क्या करेंगे, जैसे कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर को हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे, यानी A11 होता क्या है, -1 के पावर i+j M11, या कह दें कि MI, या फार्मूला लिख लेते हैं AIJ हो जाएगा यहाँ, और यहाँ लिख लेते हैं MIJ, ठीक ना। यानी AIJ इक्वल टू -1 i+j MIJ। कहने का मतलब अगर हमें A11 निकालना है यानी कोफैक्टर निकालना है तो -1 यहाँ हो जाएगा, 1+1 और यहाँ M11 हो जाएगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, तो M11 की वैल्यू कितना हो जाएगा, A22 क्या हो जाएगा, A22। यानी कि इसका कोफैक्टर क्या होगा, A11 का कोफैक्टर क्या होगा, A22 होगा। इसी तरह से अगर हमें A12 निकालना है तो फिर से -1 i+j, i की वैल्यू 1 है, j की 2, यहाँ हो जाएगा m i की जगह 1 j की जगह 2, यानी M12। यानी A12 का कोफैक्टर क्या होगा, -1 1+2 M12, इसकी 1+2 क्या होगा, 3, यानी माइनस आ जाएगा, -1 पे पावर 3 होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, और 1 2 की वैल्यू क्या है, A21। आई स्टूडेंट बात समझ में, अगर हमें निकालना है A21 को फैक्टर निकालना है किसका, इस वाले एलिमेंट का, तो A21 क्या हो जाएगा, -1 2+1 i+j 2+1, यहाँ क्या हो जाएगा, M21, i की जगह 2 j की जगह 1, तो -1 2+1 3 होगा, यानी माइनस आ जाएगा, M21 की वैल्यू क्या है, A12 है, यानी A21 का को फैक्टर क्या होगा, -A12 होगा। अगर यही हमें निकालना है, A22 निकालना है, देखिए -1 i की वैल्यू भी 2 है j की वैल्यू भी 2 है, इसी फार्मूले में रखिए, और देखिए M22 हो जाएगा, i की जगह 2 j की जगह, M22 की वैल्यू क्या है, A11 आया है, इसका -1 2+2 4, यानी -1 के पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी, 1, तो M22 की वैल्यू क्या हो जाएगा, A11। आई होप 2x2 का आप माइनर को फैक्टर निकाल लेंगे। चलिए आपको हम एक क्वेश्चन देके बता देते हैं। जैसे मान लीजिए A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 4 5, तो देखिए हमने अभी आपको ऊपर जैसे बताया है कि M11 निकालेंगे, मतलब इसका कोफैक्टर माइनर, फिर M12, M21 इस वाले का, फिर M22 यानी इस वाले का, ठीक। तो M11 की वैल्यू क्या होगी, इसको छोड़ देंगे, बचेगा क्या, 5। M12 निकालना तो 1 2 ही है, यानी क्या हो जाएगा, 4। अब इसका निकालना है तो इसको छोड़ देंगे, इसको, यानी बचेगा क्या, 3 M21। M22 निकालना है तो M22 ये है, यानी इसको छोड़ देंगे, यानी बचेगा क्या, 2। इसको छोड़ देंगे, यानी इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, यानी बचेगा क्या, 2। यानी ये कोफैक्टर हमारा माइनर निकल जाएगा। अब अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो देखिए हम क्या करेंगे, A11 -1 के पावर क्या हो जाएगा, 1+1 M11, यानी कितना होगा, माइनस, ये +2 हो जाएगा, 1+1, यानी कि M11 की वैल्यू कितना है, 5 है, इसकी वैल्यू प्लस आएगी, यानी 5 हमारा आंसर हो जाएगा। A12 निकालना तो क्या हो जाएगा, -1 1+2, यानी क्या हो जाएगा, M12। फार्मूले पे रखेंगे, इसी फार्मूले पे, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, माइनस आएगा, इसकी वैल्यू 2+1 3 होता है, M12 की वैल्यू क्या है, 4 है, यानी आंसर क्या आएगा, कोफैक्टर
ए वन टू का कोफैक्टर यानी इसका कोफैक्टर क्या आएगा, माइनस फोर आएगा। अब इसी तरह से अगर हमें इसका निकालना है, इसी तरह से हम सारा क्या करेंगे, निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे हम देखिए थ्री क्रॉस थ्री का कैसे माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा कोफैक्टर निकालने का फार्मूला है जो हमने पीछे पेज पे लिखा हुआ था, आपको बताया है। जैसे मान लीजिए अगर थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स है, ये मान लीजिए स्टूडेंट्स मैट्रिक्स है, अब हमें अगर माइनर निकालना है यानी एम वन वन निकालना है, ठीक। एम वन वन कहने का मतलब यहाँ का एलिमेंट, तो हम करेंगे इसके सामने ये आ रहा है, सामने ये आ रहा था, यानी बचा क्या 5 6 9 8, ये बच्चा, तो इसका मैट्रिक्स हम लिख लेंगे 2 क्रॉस 2 का। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, 5 8 जा 40 माइनस 6 9 जा 54, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, -14, ये हमारा माइनर निकल गया, ठीक। अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो क्या होगा, इसी फार्मूले पर रखेंगे ए वन वन इक्वल टू माइनस वन वन प्लस वन एम वन वन, यानी 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू प्लस आएगा, एम वन वन की वैल्यू कितना है -14, यानी कि माइनर भी -14 होगा, कोफैक्टर भी -14 होगा। अगर हमें एम वन टू निकालना है यानी कि इस वाले का माइनर अगर निकालना है तो क्या होगा, देखिए अब इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बचेगा क्या, इसका निकालना है ना, तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, बचेगा क्या 4 6 10 8। डिटर्मिनेंट लिख लेंगे 2 क्रॉस 2 का, 4 6 10 8, यानी 8 4 जा 32, 10 6 जा 60, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, -28, ये हमारा माइनर निकल गया -28। अब हमें कोफैक्टर निकालना है तो ए वन टू इक्वल टू माइनस वन वन प्लस टू एम वन टू, यानी कितना आएगा इसकी वैल्यू, 2 + 1 3 होता है, इसका मतलब माइनस आएगा, एम वन टू की वैल्यू कितना है -28 है, इसका मतलब इसका कोफैक्टर कितना आएगा +28 आएगा। यही चीज़ हमने आपको इस तरह सिंबल में करके बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस है तो माइनस माइनस, तो ये चीज़ जब डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें निकालना है तो इस चीज़ का हमने आपको यूज़ बताया हुआ था, जब आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो कैसे इसको यूज करेंगे। ये तो माइनर कोफैक्टर आप लोग निकाल लेंगे, अगर किसी रो का या किसी कॉलम से आपका कहा जाए माइनर कोफैक्टर निकालने के लिए तो आप निकाल लेंगे, किसी भी चीज़ का, इसका कहा जाए, किसी भी एलिमेंट का कहा जाए, ए टू टू का माइनर निकालिए या ए थ्री थ्री का माइनर निकालिए, कोफैक्टर निकालिए, आई होप आप सभी लोग निकाल लेंगे। आपको ये बस ये फार्मूले को ध्यान में रखना है कोफैक्टर निकालते समय। चलिए देखिए स्टूडेंट, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है, कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमें दिया गया है ए इक्वल टू 2 3 4 5, कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 3 4 5 दिया गया, अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है, अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है तो इसको हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है जीरो के बराबर नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आई बात समझ में, सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो होगी तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। जैसे अगर हमें इसको चेक करना है ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, देखिए अगर इसके हम डिटर्मिनेंट निकालें, ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या होगा 2 3 4 5 4 5 2 3 4 5, तो 5 2 जा 10 4 3 12, यानी आंसर क्या आएगा -2, ये जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आई बात समझ में, अगर यही जीरो आता तो सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए स्टूडेंट्स, हम आपको बताते हैं अगर 1 2 3 3 2 1 4 5 2, अगर कोई मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो आप सिंपली निकाल दिए 5 2 जा 10 -4 3 12, तो हमने आपको उस दिन एक सिंबल भी बताया हुआ था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस है तो माइनस माइनस, तो यानी अल्टरनेट करके अगर यहाँ प्लस लेते हैं तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यानी अल्टरनेट करके हमें यहाँ से प्लस स्टार्ट कर देना है, और तिरछा नहीं जाएंगे हम, क्या सीधी सीधी जाएंगे, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। तो अगर हमें इस यहाँ पे इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमने आपको बताया इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, सॉरी मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट है, तो हम किसी रो या किसी कॉलम से निकालेंगे वैल्यू क्या होगी, सेम वैल्यू आएगी। तो अगर हम मान लीजिए एक्सपेंड कर रहे हैं रो वन से, हम क्या किसे एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग बाई आर वन, ये आर वन होता है, ये हमारा आर टू होता है, ये आर थ्री, ये सी वन सी टू सी थ्री, हमने आपके पिछले लेक्चर में बताया था कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे इस सिंबल की सहायता से।
तो पहले हम मान लीजिए R1 से एक्सपेंड, किसी से भी एक्सपेंड कीजिएगा, बस इस सिंबल को ध्यान रखिएगा, आंसर सेम आएगा। तो 1 अगर लेते हैं तो हम ये 1 है, इसको इसको छोड़ देंगे, बचेगा 2 1 5 2। ठीक, अब ये अगर लेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। यही चीज़ हमारा माइनर है, यही चीज़ क्या माइनर है। और कोफैक्टर में इसी चीज़ को हम इस सिंबल के हिसाब से देखना, तो माइनर को फैक्टर का हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जब ये -2 है, इसको लेना होगा तो 3142 हो जाएगा, प्लस ये प्लस है तो 3। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसको छोड़ देंगे इसको, यानी 3245 3245, 2 2 जा 4 -5, ये 1 है, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे वही चीज़ आ जाएगा, -2 3 2 जा 6 -4 प्लस 3, 5 3 जा 15, -4 2 जा 8, -3 आएगा, 6 -4 कितना हो जाएगा 2, तो 2 2 जा 4, 15 -8 7, 7 3 जा 21, 4 और 3 कितना होगा -7 प्लस 21, यानी सेपरेट करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 14 14, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम 3x3 के मैट्रिक्स को एक्सपेंड करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 6A पे चलते हैं, चलिए जल्दी जल्दी हम एक्सप्लेन करते हैं। लिखा है इफ़ ए इज ए 2x2 मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 5, राइट द वैल्यू ऑफ 4 डिटरमिनेंट ए। कह रहा है कि अगर ए जो है वो 2x2 का मैट्रिक्स है, ऐसा है कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितना है 5 है, तो इसकी वैल्यू बताइए कि 4A डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए डिटरमिनेंट 4A क्यों हम लिख सकते हैं 4, अब 2x2 का मैट्रिक्स है तो 4 का क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट के बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये 3x3 का रहता तो क्या हो जाता है, यहाँ क्यूब हो जाएगा, यानी 4² डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 है, 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 5 जा 80 हो जाएगा। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है कि कह रहा है ये 3x3 का मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट 3A इक्वल टू K डिटरमिनेंट है, तो K की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो 3 डिटरमिनेंट A को हम क्या लिख सकते हैं, 3x3 का है तो इसलिए 3 पे क्या लग जाएगा, पावर 3 लग जाएगा। ठीक, डिटरमिनेंट A, अब देखिए 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, यानी डिटरमिनेंट 3A की वैल्यू किसके बराबर है, K डिटरमिनेंट A के, तो अब यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो K की वैल्यू कितना मिल जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है 2 -3 5 6 0 4 1, क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद से लगाना है, 4 नंबर क्वेश्चन है, 1 5 -7, तो हमें राइट द वैल्यू ऑफ A32, ये हमारा A32 एलिमेंट है यहाँ से, और ये A32 क्या है, कोफैक्टर है, क्या है कोफैक्टर है। ठीक, तो इसके मल्टीप्लिकेशन को, तो हम देखिए हमने आपको बताया ना कि हम सिंबल को यूज़ कर लेते हैं, हम वैल्यू अलग से, या तो हम अलग से वैल्यू निकाल लें, A32 की वैल्यू क्या आएगा, या तो अलग से वैल्यू निकाल लें A32 की। तो हमने दोनों को साथ में सॉल्व किया सिंबल वाले के हिसाब से, जैसे सिंबल हमारा क्या था, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट करके है। देखिए A32 की वैल्यू क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये, तो क्या है 5 है, क्या है 5 है। अब माइनस लगा देंगे क्योंकि 3, और जब को फैक्टर निकालते हैं 3 2, तो -1 i+j था ना, i+j, तो -1 3+2 कितना होगा 5 होगा, इसलिए हमने यहाँ लगा दिया है माइनस। ठीक ना, अब ये था, इसको छोड़ देंगे इसको, तो बचेगा क्या 2564 2564, 4 2 जा 8 5 6 जा 30, यानी -22, -5 पहले से आंसर आ जाएगा 110। आप चाहें तो कोफैक्टर अलग से निकाल करके, कोफैक्टर क्या करें, पहले M11 निकालें, नहीं M32 निकाल लेंगे, M32 निकाल दें, उसके बाद A32 निकाल दें, उसके बाद हम इस वाले A32 में मल्टीप्लाई किए, 32 की वैल्यू क्या 5 है, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमने थोड़ा शॉर्टकट सॉल्व कर दिया है। आप चाहें तो पहले माइनर A32 निकालिएगा, उसके बाद कोफैक्टर A32 निकालिएगा, उसके बाद इसमें A32 में इसमें रख के सॉल्व कर देंगे, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए लिखा है x²-x+1, डिटरमिनेंट के अंदर x-1 x+1 x+1 का, तो अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसका इसके साथ, यानी इसका इसके साथ करेंगे तो x³+x²-x²-x 1 के साथ करेंगे तो x+1, यहाँ पे a+b a-b, यानी x²-1, ब्रैकेट हटा देंगे तो यहाँ देखिए x से x कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा, तो बच्चे क्या क्या है, x³+1 ये -x² + 1 हो जाएगा, यानी कि 1 और 1 2, यानी x³ - x² + 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। डिटरमिनेंट के अंदर a+ib c+id - c+id a-ib, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, a+ib a-ib और इसका इसके साथ
सी प्लस आई डी और माइनस सी प्लस आई डी। तो ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फार्मूले पे है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। ये भी वही चीज़ है, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी यही है कि यहाँ माइनस लग के क्या लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ भी वही फार्मूला, तो माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। अब अगर दिक्कत हो रही है तो आप आपस का मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है यानी यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा यानी प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेवन, थ्री एक्स सेवन माइनस टू फोर एट सेवन सिक्स फोर। तो यहाँ बता रहा है कि दोनों डिटरमिनेंट बराबर है तो एक्स की वैल्यू हमें बतानी है, तो फोर थ्री या ट्वेल्व एक्स माइनस आता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर्टीन आ जाएगा, इसलिए हमने प्लस फोर्टीन लिख दिया। ठीक, एट फोर या थर्टी टू माइनस सेवन सिक्स या फोर्टी टू यानी माइनस थर्टी टू माइनस फोर्टी टू माइनस टेन माइनस फोर्टीन जगह इधर ट्रांसफर कर देंगे माइनस ट्वेंटी फोर आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड कर देंगे एक्स की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर एट पे चलते हैं, सेम क्वेश्चन है, देखिए लिखा है टू एक्स फाइव एट एक्स सिक्स माइनस टू सेवन थ्री, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एट या फोर्टी हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वायर फाइव एट या फोर्टी, सिक्स थ्री या एटीन फिर माइनस आता है, अब सेवन टू या माइनस फोर्टीन है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा प्लस फोर्टीन हो जाएगा, माइनस फोर्टीन आ रहा है एक माइनस पहले से लगता है तो माइनस माइनस प्लस ऐड कर लेंगे, थर्टी टू फोर्टी को इधर ट्रांसफर कर देंगे प्लस फोर्टी हो जाएगा, टू से दोनों को ऐड करेंगे सेवेंटी टू, टू से डिवाइड करेंगे थर्टी सिक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस सिक्स। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नाइन है, आप लोग देख लीजिए इसको खुद से सॉल्व करिएगा, सॉल्यूशन है आपके पास यहाँ से, जैसे इसका हमने टू एक्स एक्स प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस थ्री, थ्री वन या थ्री और फाइव थ्री या फिफ्टीन, ये चीज़ आ गया। यहाँ देखिए टू और एक्स प्लस वन कॉमन है दोनों में है, हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा एक्स माइनस यहाँ बचेगा एक्स प्लस थ्री, एक्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल बचेगा, ये अंदर जाएगा माइनस थ्री, थ्री टू जा माइनस सिक्स हो जाएगा, तो इसमें माइनस ट्वेल्व में डिवाइड कर देंगे प्लस टू आएगा यानी एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा टू यानी एक्स इक्वल टू आ जाएगा वन। फिर क्वेश्चन नंबर टेन है, ए इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर थ्री फोर वन टू, तो फाइंड करना है थ्री डिटरमिनेंट ए, तो पहले ए मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, थ्री फोर वन टू की कितना आएगा थ्री टू या सिक्स माइनस फोर यानी टू आ जाएगा, तो थ्री डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगा थ्री डिटरमिनेंट की वैल्यू टू है यानी सिक्स हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इलेवन पे चलते हैं, इलेवन नंबर आप लोग खुद से लगाएंगे, ट्वेल्व नंबर देखिए अंडर रूट सिक्स अंडर रूट फाइव अंडर रूट ट्वेंटी अंडर रूट ट्वेंटी फोर, तो अंडर रूट ट्वेंटी फोर अंडर रूट सिक्स इंटू अंडर रूट ट्वेंटी फोर माइनस अंडर रूट ट्वेंटी इंटू अंडर रूट फाइव। अब अंडर रूट ट्वेंटी फोर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए टू से डिवाइड करेंगे ट्वेल्व सिक्स थ्री वन, एक पेयर बना यानी टू और अंडर रूट सिक्स, ये क्या इतना हो जाएगा थ्री टू या सिक्स एक पेयर बन गया यानी टू अंडर रूट सिक्स हम लिख सकते हैं ट्वेंटी फोर को। इसी तरह अंडर रूट ट्वेंटी को हम क्या लिख सकते हैं टू अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सिक्स इतना हो जाएगा सिक्स, सिक्स टू या ट्वेल्व माइनस अंडर रूट फाइव अंडर रूट फाइव और फाइव टू या टेन यानी आंसर आ जाएगा टू। क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते हैं, टू कॉस थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस माइनस यहाँ लगाएंगे चूंकि यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और माइनस आएगा इसलिए क्या हो जाएगा प्लस, तो टू साइन स्क्वायर थीटा, टू कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है वन यानी टू इंटू वन आंसर आ जाएगा टू। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आप खुद से लगाएंगे, फिफ्टीन नंबर देखिए, साइन सिक्सटी कॉस सिक्सटी माइनस साइन थर्टी कॉस थर्टी, तो साइन सिक्सटी इंटू कॉस थर्टी माइनस यहाँ पे एक माइनस है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक टू आएगा इसलिए हमने यहाँ लगा लिया प्लस साइन थर्टी कॉस सिक्सटी। अब ये देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी यानी साइन ए प्लस बी का फार्मूला, तो साइन सिक्सटी प्लस थर्टी, साइन सिक्सटी प्लस थर्टी कितना होता है साइन नाइन्टी, साइन नाइन्टी की वैल्यू वन। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन और सेवनटीन आप लोग खुद लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर एटीन देखिए कह रहा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताइए, तो देखिए जिसमें ज़्यादा जीरो है उसी से एक्सपेंड करते हैं, आंसर जल्दी से हमारा आ जाएगा, तो हम रो वन से एक्सपेंड करेंगे किससे आर वन से, तो जीरो लिखेंगे। अब इसको इसको इसके जो एलिमेंट्स बाकी बचे जैसे इससे हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट बना के लिखेंगे ना, अभी हमने आपको पीछे बताया था, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे जीरो आएगा, प्लस के बाद क्या आता है माइनस यानी माइनस टू। अब देखिए तो माइनस टू आ रहा है तो इसको और इसको छोड़ देंगे, बचेगा क्या टू फोर फोर सिक्स, तो सिक्स टू जा ट्वेल्व और माइनस फोर फोर जा सिक्सटीन, फिर इसका नंबर आता है इस जीरो का तो जीरो को जीरो लिख देते हैं, इसके साथ कुछ भी आए वो क्या आएगा जीरो ही आएगा, 12 माइनस सिक्सटीन माइनस फोर और ये माइनस टू यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा एट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट 41 7 5 79 7 9 25 5 और 3, बिना एक्सपेंड के यानी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर 18 में एक्सपेंड करके लगाया था यहाँ बिना एक्सपेंड के बताना है,
हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया हमने। अब देखिए हम सी वन में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सी टू को करेंगे क्या हम, इसमें हम सेवन का मल्टीप्लाई करते हैं, सेवन फाइव जो 35 और वन ऐड करते हैं 36, तो 36 को अगर हम 41 में सेपरेट कर दें तो कितना बचेगा 5। वही काम यहाँ सेवन का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 9 63 प्लस 7 ऐड करके, और इसके साथ जब सेपरेट करेंगे तो आएगा हमारा 9। अब फिर 7 3 21 21 और 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 29 में से 26 घटा देंगे तो आ जाएगा 3 आएगा। तो ये जब हम देखेंगे इस ऑपरेशन को, हम जब सॉल्व करेंगे सी वन में क्या कर रहे हैं, सी टू प्लस 7 C3, तो 593 593, यानी दो कॉलम जो है वो आइडेंटिकल हो जा रहा है। हमने आपको प्रॉपर्टी बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि अगर दो कॉलम आइडेंटिकल है या दो रो आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, ए इक्वल टू 3 2x x + 1 2 4, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहा है कि ये a जो है ये सिंगुलर है, तो हमने अभी आपको बताया है स्टार्टिंग में कि अगर ये a सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी 3 2x 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 2x - 2x + 1 इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के। सॉल्व करेंगे 4 3 12 - 8x - 2x - 2 - 8 - 2x - 10x 12 - 2 10, इधर सब भेज देंगे 0 की तरफ, -10 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। इसमें दो तीन क्वेश्चन बचा हुआ है, 21 और 22, उस दोनों क्वेश्चन को आप खुद से लगाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इवेल्यूएट करना है उन दोनों को। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।